सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले किया सोनेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम और MID के बारे में। तो देखेंगे इसके सारे फीचर्स और बहुत कुछ इन डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं किया सोनेट HTK के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो कुछ ऐसा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने मिलता है। 8 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है और साथ में लेफ्ट और राइट साइड में आपको कुछ कीज़ और नॉब्स देखने मिलते हैं। तो ये है इसके FM के ट्यून का नॉब और ये वॉल्यूम, और इसे अगर आप प्रेस करोगे तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको ट्रैक्स के और सेटअप के कीज़ देखने मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मीडिया की कीज़ देखने मिलते हैं। साथ में यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक स्टार बटन, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ऐसा कुछ आपको इसका होम स्क्रीन देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको जो भी मीडिया प्ले हो रहा है वो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, और यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ देखने मिलेगी, या अगर कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड होगा तो वो आपको यहाँ शो होगा। इसी के साथ में इस कार में आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले देखने मिलता है। अगर आप इसके ऊपर के वेरियंट लेते हो तो आपको इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं देखने मिलेगा। तो आते अभी इसमें मेन्यू में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने मिलता है फ़ोन मेन्यू। तो जो भी आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा आपको उसमें कॉल हिस्ट्री और कॉलिंग का आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है। अगर आप रेडियो में आते हो तो आपको यहाँ पे रेडियो के सारे जो भी है फीचर्स, AM FM जितने भी सेव्ड स्टेशंस है वो आपको यहाँ देखने मिलेंगे। मीडिया पे अगर आप क्लिक करते हो तो भी ब्लूटूथ कनेक्टेड या फिर USB कनेक्टेड है उसका मीडिया आप यहाँ से प्ले कर सकते हो। यहाँ पे इसका USB कनेक्ट होता है, इसमें आप वीडियोस भी प्ले कर सकते हो प्रोवाइडेड कि इसका हैंड ब्रेक इंगेज्ड हो। तो आप इसमें पेन ड्राइव में वीडियोस डाल के या मूवीज़ डाल के आप इसमें मूवीज़ भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले देखने मिल जाता है, जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। वॉइस मेमो का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से अपने लिए कुछ वॉइस नोट्स यहाँ से सेव कर सकते हो, या कार में आपको अगर कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो आप वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ DRVM पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये है ड्राइवर्स रियर व्यू मॉनिटर, तो जिससे कि आप ड्राइव करते वक्त भी रियर कैमरा इसका इंगेज कर सकते हो, पर ये बस ड्राइव करते टाइम ही चलेगा, अभी व्हीकल पार्क्ड है तो ये नहीं चलेगा। सेटिंग्स में हम आते हैं, तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पे साउंड के कुछ सेटिंग्स देखने मिल जाएंगे। जैसे अभी इसमें अर्कमिस का साउंड सिस्टम मिलता है आपको, तो आप उसके मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो। साथ में यहाँ से आप इसके लेवल्स एडजस्ट कर सकते हो, मतलब जैसे अभी ये बैलेंस्ड है सेंटर में, तो अगर आपको चाहिए कि सिर्फ बैक साइड में वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे कुछ ट्यूनिंग मिल जाती है बेस वगैरह एडजस्ट करने के लिए, और गाइडेंस का आपको ऑप्शन मिलता है, तो जिससे कि अगर आप रिवर्स गियर इंगेज करते हो तो म्यूज़िक थोड़ा सा लो हो जाएगा, जिससे कि आपको डिस्टर्ब ना हो ड्राइव करते टाइम। और सिस्टम वॉल्यूम्स में आप आते हो तो आपको यहाँ पे कुछ और वॉल्यूम के कंट्रोल देखने मिलते हैं, जैसे जो भी बीप साउंड है, रिंगटोन है उसका, यहाँ से आपको कनेक्टेड डिवाइस के जो साउंड है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल आपको इसमें देखने मिलता है, जिससे क्या होता है कि जब आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आप अगर हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे हो तो आपके म्यूज़िक का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और अगर आप कार को स्लो करते हो तो फिर म्यूज़िक का वॉल्यूम भी स्लो हो जाता है। साथ में आपको यहाँ पे वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टअप का एक ऑप्शन देखने मिलता है, जिससे आप स्टार्ट करते हैं तो इमीडिएट वो लाउडली नहीं चलता है। और यहीं पे आपको रेडियो का अगर कुछ नॉइस वगैरह रिडक्शन का आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ से आप इसको रिसेट कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे डिवाइस कनेक्शन का मिल जाएगा, जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसके लिए। डिस्प्ले में अगर आप आते हो तो आप यहाँ से इसके थीम चेंज कर सकते हो डे लाइट और नाइट मोड में, तो जिससे नाइट मोड में थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाता है और डार्क थीम में चलता है। ब्लू लाइट का फिल्टर भी आपको इसमें देखने मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई स्क्रीन इतना ही यूज़ कर रहा है तो। साथ में यहाँ पे आपको स्क्रीन सेवर देखने मिल जाते हैं, होम स्क्रीन का आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। चलते दूसरी तरफ, तो बटन्स, तो जैसे मैंने बताया था ये स्टार बटन का, तो आप यहाँ से यही से आप एक कस्टमाइज बटन बना सकते हो, तो आप इससे प्रेस करने के बाद जो भी होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो डिस्प्ले ऑन ऑफ के लिए जो भी हो। तो वैसे आप इसको, जैसे मैंने ये ऑफ़ कर दिया, तो ये आप ऐसे सेट कर सकते हो उसके लिए। वैसे ही आपको एक बटन यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे भी मिलता है, तो आप स्टीयरिंग व्हील पे भी एक आपका कस्टमाइजेबल बटन है, जिससे आप अलग कुछ उसको असाइन कर सकते हो। तो दूसरा, तो फिर जनरल सेटिंग्स में आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितना भी है
उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वाईफाई में अगर आप आओगे तो फिर ये वही है वायरलेस फ़ोन प्रोजेक्शन के लिए। और क्लाइमेट कंट्रोल आप इधर से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे इंटरनल एयर सर्कुलेशन जो है उसके कंट्रोल और ऑटोमेटिक वेंटिलेशन के कंट्रोल। तो यहाँ से ऑटोमेटिक डीह्यूमिडिफाई का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो इतने कुछ ऐसे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इसका एक मैनुअल। बाकी आते हैं इसके MID की तरफ या इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की तरफ, तो कुछ ऐसा आपको इसका लुक देखने मिलता है, जहाँ पे आपको सेंटर में डिजिटल यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपको देखने मिलता है इसका टैकोमीटर, और राइट साइड में आपको इंजन टेम्परेचर और फ्यूल इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पे देखने मिलता है इसका MID। तो अभी जैसे कि इसके यहाँ पे आपको कुछ इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ड्राइव इंफॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे आपको एवरेज वगैरह देखने मिल जाएगा कार का, और यहाँ से आप देख सकते हैं उसके लाइट के कंट्रोल्स। तो इसे भी आप पूरा स्टीयरिंग व्हील से ही कंट्रोल कर सकते हो। तो अब जैसे मैंने लाइट्स पे क्लिक किया तो यहाँ से इसका जो भी इंटरनल ल्यूमिनेशन है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो ब्राइटनेस है MID का और इंफोटेनमेंट सिस्टम का, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। आते दूसरे इसमें, तो वन टच इंडिकेटर का जो आपको फीचर मिलता है जो लेन चेंजिंग के लिए, उसके कितने ब्लिंक्स होने चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कितने फ्लैशेस होने चाहिए। और हेडलैम्प डिले जो है, जो कि फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर है, उसका आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है, आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी डोर्स के लिए ये ऑटो डोर अनलॉक जो स्पीड सेंस होने पर होता है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। और कन्वीनियंस में अगर आप आते हो तो वेलकम मिरर का आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है, जिससे आप कार के पास कीज लेकर आते हो तो उसके मिरर्स अनफोल्ड हो जाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट, तो वाइपर और लाइट डिस्प्ले, ये भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो जैसे अगर लाइट के जो भी कंट्रोल्स हैं वो आपको MID में भी शो होगा, वो भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, सेम ऐसे वाइपर के लिए। और यहीं से IC रोड वार्निंग, तो अगर आप कभी IC रोड पर आते हो तो वो भी आपको यहीं पे वार्न कर देता है। सर्विस इंटरवल के बारे में आपको यहाँ पे अलर्ट्स आ जाएंगे। और अगर हम अदर फीचर्स में आते हैं तो यहाँ से आप अपना फ्यूल इकोनॉमी वगैरह रीसेट कर सकते हो, यूनिट्स आप सेट कर सकते हो, जैसे टेम्परेचर का हो गया, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में रखना है वैसे आप इसे चेंज कर सकते हो। ये वीडियो पॉसिबल हुआ था पिपाड़ा मोटर्स किया की तरफ से। तो अगर आप भी अहमदनगर से वीडियो देख रहे हो और आप सोच रहे हो सोनेट लेने का है किया की कोई भी कार परचेस करने का, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो किया सोनेट HTK के इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये कैसा लगा, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और अगर आपको किया सेल्टोस के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में देखना है तो क्लिक कीजिए इस ऊपर वाले वीडियो पर, और अगर आपको किया के कुछ हिडन फीचर्स देखना है तो क्लिक कीजिए इस नीचे वाले वीडियो पर। थैंक यू।